नमस्कार, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जो कि कवयित्री महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है, जिनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में हुआ था और मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई थी। हिंदी की स्पर्श किताब का पाठ 6 मधुर मधुर मेरे दीपक का जो पाठ परिचय हम देख लेते हैं, उसके अनुसार दूसरों से बातें करना, दूसरों को समझाना, दूसरों को सही रास्ता दिखाना, ये सब काम तो कोई भी कर सकता है और कोई भी आसानी से कर लेता है। कोई थोड़ी कठिनाई से करेगा ये काम, तो कोई कोई झिझक से या कोई संकोच के बाद, कोई किसी तीसरे को सहारा लेकर करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परिश्रम का काम होता है अपने आप को समझाना, अपने आप से बातें करना, अपने आप को सही रास्ते पर बनाए रखने की कोशिश करना, अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने के लिए तैयार रखना, हर स्थिति में सावधान रखना और अपने आप के चैतन्य को बनाए रखना। तो प्रस्तुत पाठ में कवयित्री अपने आप से जो उम्मीदें कर रही हैं, अगर वो उम्मीदें पूरी हो जाती हैं तो न केवल उनका, हम सभी को भला हो सकता है, क्योंकि हम शरीर से भले ही अनेक हों किंतु प्रकृति ने हम सबको एक मनुष्य जाति के रूप में ही बनाया है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो पहली बात हम देखें तो, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि कवयित्री कहती हैं कि हे मेरे मन के दीपक, यानी मन का दीपक जो कि ईश्वर के प्रति आस्था से संबंधित है, तू मधुरता और कोमलता के साथ जलता जा, यानी हमेशा हर पल भगवान के प्रति आस्था बनी रहे और हर पल हर घड़ी हर दिन और युगों युगों तक मेरे आराध्य अथवा ईश्वर या ज्ञान का रास्ता प्रकाशित करता जा, अर्थात मेरी हर दिन ईश्वर में आस्था बनी रहे। इसके बाद है, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन, ते प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। इसके अनुसार कवित्री कहती हैं, हे मेरे मन के दीपक, तू अपनी सुगंध को, यानी अपनी अच्छी चीजों को, अपनी अच्छाई को इस तरह फैला जैसे कि एक अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाती है। अपने स्वच्छ शरीर के सहारे अपनी कोमल मोम की को इस तरह से पिघला कि तेरे प्रकाश की सीमा ही न रहे, और इस तरह जल की तेरे शरीर का एक एक अणु उसमें समाकर प्रकाश को फैलाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञान का अंधेरा बहुत गहरा होता है, अतः इसे दूर करने के लिए तन का और मन का दोनों का स्वच्छ होना जरूरी है। कवित्री कहना चाहती हैं कि मेरे मन के दीपक, तू सबको रोमांचित करता हुआ जलता जा। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व शलभ सिर धुन कहता में, हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। यहाँ पर हम व्याख्या देखते हैं तो महादेवी वर्मा कहना चाहती हैं कि हे मेरे मन के दीपक, तू इस तरह से जल कि सभी ठंडे मुलायम और नए तुझसे तेरी आग के कुछ कण मांगे, अर्थात सभी जिसे भी ज्ञान की जरूरत हो वो तेरे पास ही आए, तू उन्हें इस प्रकार का प्रकाश दे। प्रकाश की बात ज्ञान से संबंधित है कि तू उन्हें ऐसा ज्ञान दे कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहे। पतंगे पछताते हुए कहें कि वो तेरी आग में समाकर क्यों नहीं जले, अर्थात सांसारिक लोग भी तेरी तरह ही बनना चाहें, अर्थात ज्ञान इतना होना चाहिए कि वो सब लोगों के काम आ सके, उसमें जलकर भस्म भी कोई ना हो। इसलिए कवित्री कहना चाहती हैं, दीपक तू कपते हुए इस तरह जल कि तेरा प्रभाव सब पर पड़े, अर्थात सब अपनी जरूरत और क्षमता के हिसाब से ज्ञान को प्राप्त कर सके। जलते नभ में देख असंख्य स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता विद्युत ले घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि आकाश में जलते हुए अनेक तारे तो हैं, परंतु उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं होता, क्योंकि उनके पास प्रकाश तो है लेकिन वे दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर जल से भरा सागर अपने हृदय को जलाता रहता है, क्योंकि उसके पास इतना पानी होने के बावजूद भी वह पानी किसी के पीने के काम नहीं आता। और बादल बिजली की सहायता से पूरी दुनिया में बारिश करता है। उसी तरह कवित्री कहती हैं कि हे मेरे मन के दीपक,
तू भी अपनी नहीं दूसरों की ही भलाई करता जा। तो यहाँ पर हमने बात की कवित्री महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए मधुर मधुर मेरे दीपक जल की। धन्यवाद।